जिस शख्सियत को मैं दावत खिताब देने लगा हूँ वो किसी तारफ के मोहताज नहीं, हमारे इलाके की बेहतरीन शख्सियत अल्लामा जनाब सैयद सदा हुसैन नकवी साहब बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करेंगे। किबला की आमद पे नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, कुल ईमान नारा हायदरी, यक जुबान नारा हायदरी, हुसैनियत यजीदियत, अहले बैत दुश्मना दे लानत, पाक सैयदा दे दुश्मना दे लानत, दरूद पड़े आले मोहम्मद दी जात ते। सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है कि खल्ला के आलम सदका मोहम्मद व अहले बैत पाक मोहम्मद दा इस साफ़ आज़ा विचाई मालिक अपने करीम आजीम दरबार इस कबूल मंजूर फरमा। करीम अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत पाक मोहम्मद सदका इस खानदान दे जुमला मोमिनीन व मोमिनात दे दराजात बुलंद फरमा। बिलखसूस मेरे मौला सैयद अली काजम दे वालद बुजुर्गवार सैयद काजम अब्बास शाह साहब दे मजीद दराजात बुलंद फरमा। करीम अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत पाक मोहम्मद सदका उन्हां दीआं कबरां नूं रोशन व मुनव्वर फरमा। करीम अल्लाह अज़ाब कबर तो महफूज फरमा, अरसा बरज़ख आसान फरमा, बिलखसूस पन्ना बहरा चौदह दी शफात तो बहरमंद फरमा। शफात जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा जनाब फातिमा ज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। करीम अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत पाक मोहम्मद दसद का जिस मकाम ते जिक्र इमाम मजलूम करबला हुंदा होवेगा कयामत तक मालिक उन जगह नू हमेशा शाद व आबाद फरमा। करीम अल्लाह नवाब करबला सैयद शादा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे आखिरी सजदे दा सदका मौला दे मुहिब ते नौकर जितने दुआ दे अंदर शामिल ने मालिक सब दियां दुआवां नू अपने अजीम करीम दरबार च कबूल मंजूर फरमा। हुज्जत खुदा यूसुफ ज़हरा बकियतुल्लाह अलआज़म सरकार कायम आले मोहम्मद दी आमद ताजील फरमा आमीन या रब्बल आलमीन। बावाज़े बुलंद सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाह गफूरुर रहीम। बावाज़े बुलंद सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। टाइम मुख्तसर है, पढ़न वाले काफ़ी मौजूद, बानियान दा यकीनन मकसद इबादत है तो बारह हो गए इंशाअल्लाह, बारह दस उत्ते ड्यूटी खत्म, दस मिनट मेरा टाइम है। सूरत दना है सूरा आले इमरान, पारा नंबर है तरे, रकू नंबर है यारा, उसकी पहली आयत आवाज़ तौहीद आ रही है। कुल ऐ मेरा महबूब फरमा दियो इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह, जेड़े लोग मैं अल्लाह दी मोहब्बत दा दावा कर दियो, मैं अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहते हो, मालिक की करिए उन्हें वास्ते हुक्म क्या है, आवाज तौहीद आ रही है। अगर मैं अल्लाह दी मोहब्बत चाहते हो, अगर अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहते हो, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अगर उस मालिक तक रसाई चाहते हो, अगर अल्लाह दी मोहब्बत चाहते हो, तो कुरान इरशाद फरमा रहे फत्तबिउनी पहले मेरे रसूल दी तबाह करो। समझ आ मालिक मोहब्बत तेरे नाल करना चाहते हैं, आवाज़ तौहीद आ रही है। मैं अल्लाह कुरान दे अंदर अपनी मोहब्बत का तरीका पिया दसना, मैं अपनी मोहब्बत की राह पिया दसना, मैं अपनी मोहब्बत का सरीका पिया दसना, मैं तेरे वास्ते राह बनांदा पिया। मालिक कैसी राह, आवाज़ तौहीद आ रही है। तू आखना मैं मोहब्बत करना चाहना, आवाज़ तौहीद आ रही है। अगर तू मैं अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहना है फत्ता भी उन्हीं मेरे रसूल की इतबा करो। या अल्लाह अगर तेरे रसूल की इतबा करिए, तेरे महबूब की गल मन लीए, अगर तेरे मुस्तफा दी उसवाए हुसना ते चलिए, अगर तेरे मुस्तफा दिया तरीकियां नू अपना लीए, अगर तेरे महबूब दे उठने बैठने नू पका लीए, अगर तेरे महबूब दिया दावा नू याद कर लीए, तो मालिक अजर क्या है। कुरान इरशाद फरमा रहे पहले तू मोहब्बत करना चाहना है, अगर तुसी इत्तबाए रसूल करोगे युहिब्बुकुमुल्लाह मुड़ मैं अल्लाह मोहब्बत करांगा। याली, याली, याली। जियो जियो
बड़ी जल्दी नाल, यानी असी सावे सारे दावेदार हाँ, शिया भी सुन्नी भी जितने भी हैं इन कायनात के अंदर, जिसके दरवाजे ते चाहो वो आदा अल्लाह नू राजी करने, अल्लाह नू राजी करने, मालिक तेने करना है असा राजी। पीरा भी छाइए सफे आजा, हुसैन दा होवेगा जिक्र, हुसैन दे होवेगा बाबे दा जिक्र, हुसैन दी पाक अम्मा दा जिक्र होवेगा, हुसैन दे नाने दा जिक्र होवेगा, इस पूरे खानदान दा जिक्र होवेगा। मालिक तू राजी हो जाएगा तो कुरान पे दे बिल्कुल हो जावेगा। क्यों तुसी करोगे इत्तबाए रसूल, अल्लाह दा कुरान गवाही पे दिंदे, जदों तुसी इत्तबाए रसूल करोगे मैं अल्लाह मोहब्बत भी करांगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ओए तुहाडे मुर्दियां दे नहीं तुहाडे जिंदियां दे भी गुनाह माफ कर देंगा। यानी मलक साहब मुड़ पता लग गया, हुसैन दी मजलिस च आउण नाल अल्लाह भी राजी हो जांदे, मुस्तफा दी तबाह भी हो जांदी है, अल्लाह भी महबूब बना लैंदे, तो कुरान गवाही पे दिंदे वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मुड़ अपने गुनाह दे बारे परेशान ना हुई, जदों इत्तबाए रसूल दा तू वादा कर, अगर इत्तबाए रसूल तू करेगा मैं अल्लाह मोहब्बत भी करांगा, मोहब्बत दे नाल तुहाडे गुनाह भी माफ कर देंगा। आखिरी आयत ते दुआ, टाइम खत्म, 5 मिनट हो गए, 4 मिनट मेरे बाकी रह गए, समझ आ गई। ये सूरा आले इमरान दी आयत है, 10 मिनट इस मौलवी की बिचारे पढ़ना होंगे, जेड़ा भी जाकर है 10 मिनट तो सैटिंग करता रहा है, तो जेडे बानियान ने उन्होंने मजबूरी ये होंगी है भाई, इन्होंने बंदियां नूं ना लख लख डेढ़ डेढ़ लख रुपया न्याज देनी है, उन्होंने तो जरूरी है कि उन्होंने वास्ते उन्होंने तो बुलाया गया है, असी तो बिन बुलाए मेहमान हाँ, मेहनत भी जल्दी है, मैं इतों पढ़ के जाके नमाज भी पढ़ानी है, इस वजह तो इन्होंने शुक्रिया अदा करना, इन्ना टाइम पहले दिता, अपने टाइम के अंदर सूरह आले इमरान की तिलावत अगे हुई है, आओ हुण उस सूरह मुबारक की तिलावत करिए, भाई इन्हों की मोहब्बत कितनी जरूरी है, समझ आ गई जे। सूरत का नाम है सूरह शुआरा, पारा नंबर है 5, मिन्नत कुरान आसान है, लोग आ दिन शियान कुरान नहीं आंदा, मैं अन्ना साडे सीने के अंदर कुरान भी मौजूद है, और जिस अली ने एक रकाब विच पैर रखे दूजी रकाब विच कुरान मुकम्मल किया, ओदी विलायत भी मौजूद है। बस खत्म, तुहाडियां ज़हमतां तमाम, समझ आ गई। कुल ए महबूब फिर फरमा दियो, ये जिहड़ी पहली आयत में पढ़ी है बाबा सज्जाद शाह जी, ये भी कुल तो शुरू हो रही है, समझ आ गई जी। ये जिहड़ी सूरह मुबारक है सूरह शुआरा पारा नंबर 5 दी आयत, ये भी कुल तो ही शुरू हो रही है, ए महबूब तुसा फरमा दियो, ए मेरा नबी तुसा फरमा दियो, अमर दसी गए, हालांकि वह खुद जाते तौहीद कादर मुतलिक है, मगर मालिक जे तू डायरेक्ट भी गल करें सुनते जहान लेंदे, आवाज़ तौहीद आ रही है, मैं अल्लाह नू ओ गल सोनी लगती है जेड़े अली दी मुँह चो निकले मुस्तफा दे मुँह चो निकले, ता मालिक ने इरशाद फरमाया कुल ए महबूब इन्हां नू फरमा दियो, कदों जदों सारे लोग इकट्ठे होए मक्का और मदीना इकट्ठा होके, किसे हाथ च सोना किसे हाथ च चांदी किसे हाथ च खजूरां किसे हाथ च पैसा किसे हाथ च दिरहम किसे हाथ च सोना, यानी मस्जिद नबवी दा माहौल, आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी कचहरी, 1.25 लाख सहाबा दा मजमा, सारे सहाबी इकट्ठे, तो सरकार ने जनाबे सुलेमान तो पूछा, सुलेमान एक ही गल है, अज सारे बंदियां दे हत्थां च सोना भी है चांदी भी है पैसे भी हैं, या रसूल अल्लाह, यानी अपने सहाबा तो पूछा चंद सहाबा तो की वजह है, अज मजमा होर तरह दे 10 बंदे उत्थे खलो के मशवरा पे कर देन, 10 इत्थे खलो के मशवरा पे कर देन, या रसूल अल्लाह असी ऐसे काफिर हुसैन दा पाक नाना, तुसा सन पढ़ाया कलमा, तुसा सन पढ़ाई नमाज, तुसा सन दसिया जकात दे तरीके, तुसा सन दसिया खुम्स दा तरीका, तुसा सन दसे हज करन दे तरीके, या रसूल अल्लाह ए सारी तुहाडी उम्मत इकट्ठी होके थाने अजरे रिसालत देना चाहते हैं, थोड़ा जिहड़ा ये फर्ज अदा करना चाहते हैं, जिवें मौलवी नूं तनखाह देंदे हो जाकर नूं न्याज देंदे हो, या रसूल अल्लाह सारे लोग थोड़ी न्याज लेके आए हैं, जितनी किसी की ताकत है अपनी ताकत के मुताबिक थोड़ी बारगाह मुस्तफवी के अंदर अपना नजराना पेश करना चाहते हैं, आवाज़ तौहीद आई कुल ए महबूब फरमा दियो इन्हां मैं थोड़ियाँ खजूरां नहीं लैन आया, वो मैं थोड़ा 1.5 लाख नहीं लेना, वो मैं थोड़े खजाने खाली करन नहीं आया, मैं थोड़ा सोना नहीं लेना,
मैं थोड़ी चांदी नहीं लेनी। या रसूल अल्लाह क्यों? इस्लाम नो तो जरूरत है। जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपना माल दिता। या रसूल अल्लाह तुसा टाइम दिता। इस्लाम जो है परवरिश पा गया, इस्लाम हो गया मुकम्मल। या रसूल अल्लाह पैसे की जरूरत नहीं। यार आवाज मुस्तफा आई और जलिया इतने पैसे नो चंगी शह मैं मंगूँ। इतने पैसे की कोई वैल्यू नहीं। मालिक या रसूल अल्लाह कड़ी शह जी पैसे नो भी अगे, जी सोने नो भी अगे, जी खजूर के बागात नो भी अगे, जी बैंक बैलेंस नो भी अगे। या रसूल अल्लाह कौड़ी शह तो आवाज तौहीद आई। ऐ मेरे नबी इन्हों फरमा दौ ला असअलो कुम अलैहि अजरन। और मैं थोड़े अगे सवाली बन के नहीं आया। मैं हाँ हुसैन दा नाना, कायनात मेरे कदमा की खाक। मैं हाँ कायनात दा वारिस, मैं हाँ कायनात दा बादशाह। मैं थोड़े सोने लैन नहीं आया। आवाज तौहीद आई इन्हू दस थोड़े सोने नालों गल उत्ते चली गई। मालिक किवें लास आलो कुम अलैहि अजरन। ओ मैं कोई अजर दा सवाल नहीं करना। सवाल क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर देना चाहते हो अली तो लेके अली दे यारां पुत्रां दी मोहब्बत और जनाब मुदूल दी मवद्दत मंगो। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे। क्या कहने जी? ये थे जनाब अलामा सैयद फिदा सदा हुसैन नकवी साहब, जो बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र कर रहे थे।